Hello friends, very good morning to all of you who are connected here. So in this video we have another investigatory project for 12th standard physics. Okay, as you know, for completion of physics practical, especially for 12th standard, we need an investigatory project. So today we will focus on this topic. Okay, the name of topic will remain PN junction diode under the heading of investigatory project. Okay, so this is the overview. Okay, you can watch here. So here the name of the student will be mentioned, 12th standard. This is the subject. Okay, roll number, final roll number will be put here. So this is the name of the teacher, subject teacher, which deals physics for all the session. So next leaf is consisting with the certificate. Okay, certificate ke andar dekhiye ye kuch iske wording rahegi, aap dekh pa rahe honge. So you can watch here. This is the name of topic. And okay, at the end, sign of internal examiner, sign of external examiner, and this is the sign of your principal, school principal. Okay, so I hope you have watched everything. And next page showing the acknowledgement, where a student will give their special thankful or gratitude to his teacher or her teacher, as well as the school principal. Okay, चलिए समझ गए होंगे. So ये कुछ wording आप यहाँ से note कर सकते हैं. Okay, चलिए एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. So next page is consisting with the topic, that is index. Okay, so under the heading of index, various subtopics are mentioned here. So like certificate, acknowledgement, aim of project, introduction, working principle, ठीक है, जो भी रहेगा. Function of diode है, application of diode, PN junction, characteristics of PN junction, types and application of diode, ठीक है. तो according to your subject topic, ये जो part है ये आप change कर सकते हैं. बाकी basic जो terms हैं, like सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, एम ऑफ प्रोजेक्ट है, इंट्रोडक्शन है, ये लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द डायड एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डायड. ओके, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी रहेगी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर. ओके, हिस्ट्री जो है, आप जो भी टॉपिक कवर करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ बातें वहाँ से मैंशन टॉपिक के अंदर कवर की जा सकती हैं. ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ ये देखिएगा, नेक्स्ट पेज के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायड, अनबेस्ड डायड और फॉरवर्ड बेस्ड डायड, ठीक है, और रिवर्स बेस्ड डायड. तो यहां से मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायड के बाद हमारे पास कुछ नेक्स्ट पेज के अंदर और इंफॉर्मेशन एडेड है, ये देख सकते हैं. और आफ्टर देन वी हैव फंक्शन ऑफ डायड हेयर, फंक्शन ऑफ डायड, ठीक है. चलिए आपने देख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिएगा, एप्लीकेशन पार्ट में आगे एप्लीकेशन ऑफ डायड, ठीक है. तो पी एन जंक्शन यहाँ मैंशन है फिजिक्स के अंदर. और देखिए, आपको पता होगा कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री के अंदर भी आपको पीएन जंक्शन वाला पार्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है. सो दिस वन इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, नेक्स्ट पेज के अंदर, ठीक है. फंक्शन, ओके सॉरी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं पीएन जंक्शन की. तो ये वाला पार्ट भी ऐड किया जा सकता है. After then we have next page, that is working of diode in reverse base
मोड. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मेंशन है रिवर्स बेस ऑफ डायोड और उसकी कुछ एप्लीकेशन है, चेक करिएगा. नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बेस मोड पे है, तो इसमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है, ये देखिएगा. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. और सिंबल ऑफ एलईडी भी यहाँ पे मेंशन है, एक बार देखते हैं एलईडी कहाँ से आ गया. ये एलईडी का तो इतना था नहीं, चलिए फिर भी देखते हैं नेक्स्ट क्या है. फोटो डायोड सिंबल, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फोटो डायोड, ठीक है. एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड ही है, तो इसके बहुत सारी वैरायटीज हैं यहाँ. एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ओके, फोटो डायोड सिंबल, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड सिंबल, ये देखिएगा. थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ मैं आपको. एप्लीकेशन में के बाद आता है इसमें, सॉरी टाइप्स के बाद एडवांटेजेस ऑफ जेनर डायोड. और उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा फॉरवर्ड बेस, एक एक पिक्चर है जेनर ब्रेकडाउन का, ये देखिएगा, ये दिखाया गया है, ठीक है, ये देखिएगा. और उसके नेक्स्ट पेज में हमें देखते हैं क्या मिलता है देखने को. ब्रेकडाउन वोल्टेज है कोई, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना अच्छे से इसमें दिखाया भी नहीं जा रहा है. जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ठीक है. और ये देखिएगा नेक्स्ट पेज में, और इसके बाद भी हम देखते हैं. और यहाँ पे एक और पिक्चर रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड का बताया गया है. पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बेस, उसके बारे में दिखाया है. नेक्स्ट है हमारे पास जर्मेनियम डायोड की कुछ प्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स हैं, ये देखिएगा. और उसके बाद यहाँ फॉरवर्ड वी आई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये देख सकते हैं. और एट द एंड बिब्लियोग्राफी है, और ये एक ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से जो जो भी एक इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट बना है उनके बारे में हमें बताता है. ओके, सो हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि टुगेदर विद बुक का नाम है, अरियंत भी बुक है, प्रदीप की बुक है, लिखा हुआ बच्चों ने, लेकिन खैर अगर एक 12th स्टैंडर्ड में तो शायद चल भी जाए, लेकिन हाई लेवल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसका एक अलग तरह से एक पैटर्न होता है बिबलियोग्राफी लिखने का, ठीक है. यहाँ तो चल जाएगा, टीचर्स हेल्प, स्लाइड शेयर, इंटरनेट सोर्सेज वगैरह, है ना. चलिए एट द एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो शायद नहीं करेगा बिकॉज आपका टॉपिक वेरी करता है. चलिए ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर.